नमस्कार मैं हरी शंकर प्रशिक्षण सहयोगी हिंदी आंचलिक प्रशिक्षण शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर से आप सभी विद्यार्थियों व दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपके सामने हिंदी पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग तीन के एक गद्य पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं या पत्रिकाएं पढ़ते हैं क्या आपने किसी विशेष व्यक्ति के बारे में इनमें कोई लेख पढ़ा है आपको पता है कि समाचार पत्रों में कैसे समाचार प्राप्त किए जाते हैं और छापे जाते हैं चलो मैं ही आपको बता देता हूँ समाचार इकट्ठा करने के लिए कभी लोगों से बातचीत किया जाता है वार्तालाप किया जाता है और कभी कभी उनसे मिलकर भेंटवार्ता की जाती है भेंटवार्ता यानी साक्षात्कार जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहते हैं समाचार संकलन का एक प्रभावी तरीका है भेंटवार्ता विशेष प्रकार के समाचारों के संकलन के लिए उपयोग में लाया जाता है समाचार संकलन में यदि भेंट वार्ता के महत्व को नकार दिया जाए तो समाचार पत्रों में घटनाओं कार्यक्रमों आदि का विवरण तथ्यों की गहराई से छानबीन से दूर ही होगा ऊपरी तौर पर जो देखने या सुनने को आएगा उसके प्रस्तुतिकरण से पाठकों की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती आज हम जो गद्य पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी मारिया ने जेषी ये एक भेंटवार्ता है इसके लेखक हैं जयप्रकाश पांडे इस कार्यक्रम के अंत में आप सब पाठ का आदर्श वाचन कर सकेंगे नए शब्द से परिचित होकर उसका प्रयोग कर सकेंगे हिंदू में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्दों का सामान्य परिचय एवं प्रयोग से अवगत हो सकेंगे पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने विचार लिखकर व्यक्त कर सकेंगे भारतीय और विदेशी संस्कृति से परिचित होकर अपने विचार व्यक्त करेंगे भेंटवार्ता के लिए आवश्यक तैयारियों से अवगत होकर किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ भेंट वार्ता की योजना बनाएंगे आइए अब हम पाठ का आदर्श वाचन शुरू करते हैं ग्यारहवा पाठ हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी मारिया ने जोशी वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलीन अहलूवालिया का फ़ोन आया हरलीन मुझे हंगरी की एक अंग्रेज़ हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी बल्कि अपने राष्ट्रपति अबुल पकीर जैन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था वह विदुषी तब चंद दिनों के लिए ही भारत में थी और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था लिहाज़ा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी लेकिन थी तो अंग्रेज़ लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तैयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी का भी ध्यान रखा कि क्या पता कब संवाद के लिए इसकी ज़रूरत आ पड़े आश्चर्य अंग्रेज़ी के सवालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सुबह दस बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ मैं हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा, तो हरलिन अपने कार्यालयी काम में व्यस्त थी हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया हम बैठकर कर अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले ही रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज़ महिला आ पहुँची उन्होंने अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की फिर क्षमा याचना की कि दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते वह समय से नहीं पहुंच सकी हरलीन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी वह डॉक्टर मारिया नेजेशी थी अप्रैल उन्नीस में हंगरी की बुडापेस्ट में जन्मी नेजेशी ने संस्कृत लैटिन, प्राचीन यूनानी और भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और योत्स लॉरेन यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभाध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी न्यायशी ने तीन दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन व हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया हमारी बातचीत के बीच छठे विश्व हिंदी सम्मेलन वह जॉर्ज ग्रेयर्सन सम्मान से सम्मानित नियजेषी को भारत यहाँ की भाषा यहाँ के लोग यहाँ के शहर यहाँ की फिल्में यहाँ का साहित्य यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसी लगती है उनका खुद का बचपन कैसा था उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदाज अंदाज में दिए लेकिन नेजेशी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की उनका कहना था कि भारत बहुत बड़ा देश है यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है पर यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं कि उन्हें देख दुख होता है आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को ही लीजिए इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यूं कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई थी पर फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया इस झूठ की जरूरत क्या थी यूं यह उस धरती के साथ भी नाइंसाफी है जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद कर पर्दे पर दिखाया पर जगह दूसरी बता दी नेजेशी की इस शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना लिहाजा यह कहकर कि हम आपकी बात हम देल दे चुके सनम देखने वाले सभी दर्शकों के पास ना भी पहुंचा पाए तो अपने पाठकों तक ज़रूर पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए क्षमा मांग ली उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा तो वो जैसे अपने बचपन में लौट गई हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है पति पत्नी व बच्चे बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार तकरीबन 30 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था दोनों ने दूसरा विवाह किया आज मेरी माँ की उम्र इक्यासी साल है पर वह अकेले रहती हैं मेरी मौसी छियासी साल की हैं वह भी अकेली हैं वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं मैंने भी शादी नहीं की काम व शादी में एक को चुनना था बच्चे पति व परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया दरअसल मेरी ज़िंदगी की शुरुआती 20 साल बहुत छोटी सी जगह पर बीते। मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए ललायत थी इसीलिए मैंने ग्रीक लैटिन यूनानी और संस्कृत भाषाएं पढ़ी एम की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी उस दौरान हंगरी में केवल एक दो सज्जन ही हिंदी जानते थे मेरे प्रोफेसर ने मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और एक बार जो मैं इससे जुड़ी तो जुड़ती चली गई उन्नीस में मैं पढ़ाई के सिलसिले में पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रुकी एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की चार दीवारी ही देखी हो उसने हिंदी की बदौलत पूरी दुनिया देख ली आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ मेरे एक शिष्य इमरे बांगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है जहाँ तक हंगरी की बात है तो मेरे समय में वहाँ ना तो हिंदी भाषी लोग थे और ना ही किताबें थीं डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफ़ी मदद की आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई हैं मैं बुढ़ापेस्ट में भारतीय पोशाक ही पहनती हूँ जिसे देख मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ी है कड़ाके की ठंड के चलते वहाँ सलवार सूट ही ठीक है इसलिए साड़ी कम पहनते हैं भारत की कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी वाक्य पूरा होता इससे पहले ही वह बोल पड़ी यहाँ के मानवीय संबंध मुझे अच्छे लगते हैं मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं जो सालों साल से बरकरार हैं पिता भाई व दोस्त की तरह यहाँ के लेखकों ने मुझे प्रभावित किया अजगर वजाहत के साथ हंगरी में पाँच साल तक साथ, साथ काम किया अशोक वाजपेयी राजेंद्र यादव अशोक चक्रधर व जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क रहा भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी मुझे पसंद है यहाँ का कौन सा शहर व कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं नेजेशी का जवाब था दिल्ली तो अपना शहर है इसलिए कुछ कहूँगी नहीं मैं सात साल बाद दिल्ली आई तो सीएनजी का असर देखा यहाँ का प्रदूषण कम हुआ है हरियाली बढ़ी है पांडिचेरी, मैसूर व उदयपुर भी मुझे काफ़ी पसंद हैं सच कहूँ तो जहाँ भीड़ कम है हवा ज़्यादा है वे शहर मुझे पसंद हैं रही फ़िल्मों की बात तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुँचती हैं वैसे भी पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं दस साल पहले तो ये केवल 50 थे जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे फ़िल्म उमराऊ जान काफ़ी अच्छी लगी नसीरुद्दीन शाह व शबाना आज़मी मुझे अच्छे लगते हैं शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं मनोरंजन की ज़रूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है पर कला फिल्में ज़िंदगी का हिस्सा है आप इनसे मुँह मो कैसे मोड़ सकते हैं धर्म और राजनीति के बारे में नेजेशी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक हैं उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर मस्जिद व चर्च गई हूँ पर मैं ना इधर की हूँ न मैं उधर की मैंने धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और मैं इसके हर रूप से परिचित हूँ लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती रही राजनीति तो चूंकि मैं समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ती हूँ खबरिया चैनल देखती हूँ इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है दरअसल हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभावों से बच नहीं सकते वहां पिछले पंद्रह सालों में काफ़ी बदलाव हुए हैं लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए ने से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा अचरज यह कि उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई उनका कहना था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह की सामान की खासियत और विविधता खत्म हो गई है हर जगह फास्ट फूड एक जैसे साबुन एक जैसा पेय एक जैसे शैम्पू यह क्या है यह ठीक है कि भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा कैटरीना सुनामी विल्मा भूकंप और भी न जाने क्या क्या मैं एक अनुभव से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी एक बार मैं सूरी नाम के घनघोर जंगलों की तरफ गई जहाँ से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था हमने नाव पकड़ी काफ़ी अंदर तक गए यानी उस इलाके तक गए जहाँ आबादी नहीं थी बस्तियाँ कल कारखाने नहीं थे उद्योग धंधे नहीं थे पर वहाँ भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा हमें सोचना होगा कि इन चीजों का पर्यावरण पर क्या असर होगा हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सबने क्या यही विश्व हमें मिलेगा आपने इस पाठ के दौरान कुछ नए शब्दों पर भी गौर किया होगा तो आइए उनके अर्थ और सामान्य प्रयोग के बारे में जानते हैं पहला शब्द है आम जिसका अर्थ फल भी हो सकता है और विशेष ना होना अंग्रेजी में ऑर्डिनरी इसका वाक्य प्रयोग होगा सड़क दुर्घटनाएं आजकल एक आम बात हो गई है दूसरा शब्द फेरिस्त जिसका अर्थ है सूची अंग्रेजी में लिस्ट इसका वाक्य प्रयोग होगा समारोह आयोजन के लिए कार्यक्रम की फेरिस्त बनाई गई तीसरा शब्द है क्षमा याचना जिसका अर्थ है माफी मांगना अंग्रेजी में अपॉलोजीस वाक्य प्रयोग होगा गलतियों पर क्षमा याचना करना एक अच्छी आदत है चौथा शब्द है ना इंसाफी जिसका अर्थ है अन्याय अंग्रेजी में कहें इनजस्टिस इसका वाक्य प्रयोग होगा अस्पतालों में लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है पांचवा शब्द ललक अर्थात इच्छा अंग्रेजी में डिजायर वाक्य प्रयोग होगा वीर जवानों को देखकर देश के लिए कुछ कर उठने की ललक उसके मन में जागृत हो उठी छठा शब्द है लालायित, अर्थात ललचाया हुआ अंग्रेजी में ईग इसका वाक्य प्रयोग होगा उस डिब्बे में क्या है देखने के लिए मन लालायित हो उठा सातवां शब्द बदौलत जिसका अर्थ है कृपा से अंग्रेजी में थैंक्स टू इसका वाक्य प्रयोग होगा दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफायत से आटा मिलने लगा आठवां शब्द कड़ाके जिसका अर्थ है जोरदार अंग्रेजी में सिवियर वाक्य प्रयोग जनवरी महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी नवा शब्द है बरकरार अर्थात बनाए रखना अंग्रेजी में कहें इंटैक्ट इसका वाक्य प्रयोग होगा देश की सीमाओं में शांति बरकरार रखने में सेना का बड़ा हाथ होता है दसवां शब्द है मुंह मोड़ना अर्थात बेरुखी करना अंग्रेजी में रिफ्यूज वाक्य प्रयोग होगा जो जरूरत पड़ने पर मुंह मोड़ ले वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता ग्यारवा शब्द मुताबिक अर्थात अनुसार अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू इसका वाक्य प्रयोग होगा पुलिस के मुताबिक यह घटना रात के दो बजे हुई बारवा शब्द अचरज अर्थात आश्चर्य अंग्रेजी में सरप्राइज इसका वाक्य प्रयोग होगा सड़क में जमी भीड़ देखकर मैं अचरज में, में पड़ गया तेरवा शब्द खासियत अर्थात विशेषता अंग्रेजी में स्पेशलिटी वाक्य प्रयोग सभी धर्मों का आदर करना इस देश की खासियत है चौदहवा शब्द पेय अर्थात पीने वाला पदार्थ अंग्रेजी में ड्रिंक वाक्य प्रयोग होगा आज पेयजलों के विज्ञापनों से लोग आकर्षित हो रहे हैं आइए हम पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं पहली बिंदु इस पाठ में हंगरी की एक अंग्रेज महिला डॉक्टर मारिया नेजेशी का हिंदी के प्रति समर्पण पर प्रकाश डाला गया है डॉक्टर मारिया नेजेशी को हिंदी में किए गए कार्यों के लिए दुनिया भर में पहचान मिली थी राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने इन्हें सम्मानित भी किया था डॉक्टर मारिया नेजेशी हंगरी की बुडापेस्ट में जन्मी थी उन्होंने संस्कृत लेटिन प्राचीन यूनानी और भारत विज्ञान जैसे विषयों में एम कर संस्कृत व हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की तीन दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन व हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है मारिया वियना में हिंदी पढ़ाती हैं दूसरी बिंदु डॉक्टर मारिया नाइजेशी के सदाचार व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है डॉक्टर मारिया नाइजेशी अपने अभिवादन की शुरुआत नमस्ते से करती हैं दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय से ना पहुंच पाने के लिए क्षमा याचना मांगती हैं यह पाठ एक भेंट वार्ता है भेंटवार्ता यानी साक्षात्कार अंग्रेजी में जिसे इंटरव्यू कहते हैं छठे विश्व हिंदी सम्मेलन जॉर्ज ग्रेयर्सन सम्मान से सम्मानित नेजेशी से भारत यहाँ की भाषा यहाँ के लोग यहाँ के शहर यहाँ की फिल्में यहाँ का साहित्य यहाँ की राजनीति यहाँ की संस्कृति उनका खुद का बचपन हिंदी से उनका जुड़ाव कैसे हुआ आदि प्रश्न पूछे गए सभी का जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिया चौथी बिंदु डॉक्टर मारिया नेजेशी के भारत प्रेम और कला प्रेम पर प्रकाश डाला गया है वे भारतीय पोशाक सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं साड़ी भी पहनती हैं भारत के मानवीय संबंध उन्हें बहुत पसंद हैं भारतीय खान पान जैसे पूरी मटर पनीर उन्हें पसंद हैं भारत के कम आबादी वाले शहर उन्हें पसंद हैं जहां हरियाली है हवा ज़्यादा है वे भारतीय कला फिल्मों को और उनसे जुड़े कलाकारों को पसंद करती हैं पांचवी बिंदु है डॉक्टर मारिया नाइजेशी के धर्म और राजनीति के संबंध में अपने स्वतंत्र विचार हैं उन्हें भी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है वे हर धर्म का आदर करते हुए भी किसी एक धर्म को नहीं मानती उनका कहना है कि भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए आधुनिकता से उन्होंने असहजता जताई उनका कहना था कि इससे जगह की सामान की खासियत और विविधता ख़त्म हो गई है प्रदूषण बढ़ गया है छठा बिंदु है डॉक्टर मरिया नईजेशी ने संसार में फैल रहे प्रदूषण पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं वे कहती हैं मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा हमें सोचना होगा कि इन चीज़ों का पर्यावरण पर क्या असर होगा हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने क्या यही विश्व हमें मिलेगा आइए अब हम इस पाठ में प्रयुक्त हुए व्याकरणिक बिंदु पर चर्चा करते हैं बच्चों हिंदी में अनेक विदेशी शब्द प्रयोग में आ जाते हैं जिनमें कहीं अर्धचंद्र तो कहीं नुक्ता लगाए जाते हैं जिससे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है कुछ ऐसे ही अंग्रेजी शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं जैसे कॉफ़ी काफ़ी अब कॉफ़ी का अर्थ होगा पदार्थ और काफी पर्याप्त अब जैसे वाक्य प्रयोग में देखते हैं यहां काफी सामान भरा पड़ा है तुम गर्म कॉफी पीकर जाना अब दूसरे शब्द देखिए बाल बॉल कमला के बाल बहुत घने हैं बच्चे बॉल से खेल रहे हैं हाल हॉल वो अभी हाल ही की बात कर रहा था सिनेमा हॉल में लोग बहुत कम थे चाक चौक कुम्हार अपनी चाक से अनेकों बर्तन बनाता है ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखो बच्चों इसी तरह ज और फ में नुक्ता लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है जैसे आप देखें सजा सजा रमा ने कमरे में फूल सजा दिए उसे सात साल की सजा दी गई जमाना जमाना माँ दही जमाना भूल गई नए जमाने के लोगों की पसंद अलग अलग है तेज तेज घोड़ा तेज दौड़ता है उसके चेहरे पर एक विशेष तेज था राज राज, शीला ने मुझे एक राज की बात बताई आज देश में जनता का राज है फन फन सांप का फन देखकर मैं भयभीत हो गया उदित सितार बजाने के फन में माहिर है जरा 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 अवस्था में बाल सफ़ेद हो जाते हैं कप में जरा सी चाय बची थी प्रिय विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा डॉक्टर मारिया नेजिशी ने आपको प्रेरित भी किया होगा हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं पहला प्रश्न पर्यावरण को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है इस पर विचार कीजिए और इस संबंध में अपने परिवार मित्रों अध्यापकों से राय जानने के लिए एक भेंटवार्ता की रूपरेखा अर्थात पूछने के लिए प्रश्न तैयार कीजिए क्या साक्षात्कार के लिए संचार माध्यमों के प्रयोग किए जा सकते हैं लिखिए दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को अपनी मातृभाषा में लिखिए और उन पर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए शब्द हैं नमस्ते घर सड़क समाचार पत्र पानी साबुन धरती जंगल सुबह तीसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति और हंगेरियन संस्कृति की तुलना करके अपने विचार लिखिए इसकी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठा कीजिए और अपने मित्रों से चर्चा कीजिए आज के इस कार्यक्रम में आपने सीखा भेंटवार्ता की शैली से अवगत हुए भेंटवार्ता हेतु प्रश्न बना सके नए शब्दों से परिचित होकर उसका प्रयोग कर सके पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने विचार व्यक्त कर प्रदूषण की समस्या से परिचित हो सके व्याकरणिक बिंदु जैसे आगत विदेशी शब्द के सामान्य परिचय एवं प्रयोग से अवगत हो सके आज के कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ तब तक घर पर रहें सुरक्षित रहें नमस्ते धन्यवाद